पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। फौज भी उनको सपोर्ट कर रही है पूरी, प्राइम मिनिस्टर को, बाकी तमाम इदारे भी सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास इस वक्त पोलिटिकल ऑप्शन जो है वो नहीं। पाकिस्तान में ना 6-6 महीने की प्लानिंग होती है, 3-3 साल बड़े लंबी प्लानिंग है। इमरान खान को लोगों ने मुंतखब किया है एक पूरे सिस्टम की इस्लाह के लिए, रिफॉर्म के लिए। उसमें फिर हमारी अपनी भी कोताहियां हैं कि पूरा ये मामला जो है वो नहीं चल सका। हमारे जहांगीर तरीन साहब ने, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इसमें इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पोलिटिकल क्लास जो है वो सारे खेल से ही बाहर हो गई। और ये जब पोलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसको फिर फिलअप किया नए लोगों ने, और नए लोगों में भी उन लोगों ने फिलअप किया जो पॉलिटिक्स से थे ही नहीं। सो आपको खाली आइडिया काफ़ी नहीं होता, आपको एक अपनी टीम बनानी होती है जिन्होंने वो आइडिया इम्प्लीमेंट करना होता है। सो जब वो इमरान खान की बुनियादी टीम हिल गई, तो वो जो नए लोग थे वो तो फ्रेंकली उस आइडियाज़ के साथ अलाइन ही नहीं थे, और ना हैं, और ना ही शायद कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये इस झगड़े ने मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, और स्पेशली जो पॉलिटिकल क्लास थी हमारी जो पार्टी के अंदर, उसको बहुत नुकसान पहुंचा। फेलियर नहीं, फेलियर ये है कि जब आप इंटरनल लीडरशिप आप एक कमज़ोर लगाते हैं, तो फिर उसमें हो जाता है कि आप एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते। हम कहते तो हैं कि सिविलियन जो ऑफिस हैं, मिलिट्री जो है जी उसका बड़ा रोल हो गया है, सिविलियन ऑफिस जो हैं जी वो उनको देना चाहिए रोल। आप मुझे, आप जरा पार्लियामेंट की अपनी लीडरशिप देखें, उसके बाद आप अपनी प्रोविंशियल लीडरशिप्स देखें, कोई दिल पे हाथ रख के कोई मुझे बताए इस लीडरशिप के साथ कैसे सिविलियन सुप्रीमेसी हो सकती है। इमरान खान का तो ये प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने तो जो बेस्ट लोग थे वो वहाँ पे लगने चाहिए थे, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि जिसने भी उनको मशवरा दिया फ्रेंकली कि कमज़ोर लोगों को लगाएं, और उन लोगों को लगाएंगे जो हर बात जो है वो डिक्टेशन लेंगे, उसका मुझे लगता है कि उनकी ज़ात को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। हमने तो पूरी कोशिश की, हमने बड़ी समझाने की भी कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं है फ्रेंकली। जब पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा ज़ोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। लड़ाइयाँ भी होती हैं और पार्टीज़ के अंदर एक अपना, एक अपनी अपनी ग्रुपिंग भी चलती है, लेकिन आप अपने ही जो जिस शाख पे बैठे हों आप उसको तो नहीं काट देते। तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंटरनल फाइटिंग थी बिटवीन दीज 3-4 टॉप लीडर्स, उसने ना सिर्फ पार्टी को बड़ा नुकसान पहुँचाया, बल्कि इसके नतीजे में पूरी पोलिटिकल क्लास आउट हो गई और उनकी जगह जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ने ले ली। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक वीजन था, या जो जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। जो बुनियादी कुछ अगर आप स्टेप्स कहें पुलिस रिफॉर्म्स के, बुनियादी कुछ स्टेप्स कहें हम जुडिशल रिफॉर्म्स के, जो हमने SOEs के ऊपर चीज़ें बनाई थी, सारी स्टैंड स्टिल हैं। और फ्रेंकली एक रूटीन गवर्नमेंट हम चला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए, मिनिस्टर्स को कहा, लेकिन और उनको ये, इसका मतलब यह है कि उनको पूरा एहसास है कि अभी आपके पास 6 महीने में आपने अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तगड़ा करना। उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ इनिशिएटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि PM को भी एहसास है कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये उस तरह से नहीं हुए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपकी पॉलिटिकल टीम जो है वो नहीं है, आपकी गवर्नेंस रिफॉर्म्स की टीम नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप एक्सपर्ट्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो शामिल होंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए इन सब लोगों को साथ रखना चाहिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग इलेक्टेड लोगों ने करनी होती है। आप इतने एडवाइजर्स होंगे हमारे, इतने SA PMs होंगे, और इलेक्टेड लोग जो हैं वो मुँह देख रहे होंगे एक दूसरे का, और वो किसी भी जो है वो की फैसलों में, डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होंगे, तो जाहिर है फिर वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। इमरान खान की जो नाकामी है वो एक इंडिविजुअल की नाकामी नहीं होगी। फौज भी उनको सपोर्ट कर रही है पूरी, प्राइम मिनिस्टर को, बाकी तमाम इदारे भी सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास इस वक्त पोलिटिकल ऑप्शन जो हैं वो नहीं है।
आज इमरान खान मुझे फारिग कर देते हैं तो मैं तो फारिग हो गया, या किसी को जिसको भी वो कर देंगे, अगर वो फैसला कर लें कि मैंने को लीडरशिप लीडर बनने ही नहीं देना या बनाना ही नहीं देना, तो आप नहीं बन सकते, कैसे बन सकते हैं। हमने 80 की दहाई में दो बहुत बड़ी गलतियां की। एक तो हमने गलती ये की कि हमने जो हम मदरसे तो बनाते रहे वेस्ट के कहने के ऊपर, लेकिन हमने उनको ये नहीं कहा कि भाई यहाँ पे कोई कैम्ब्रिज का, येल का, स्टैनफोर्ड का, हार्वर्ड का, इनके कैंपसेस बनाए। दूसरी बड़ी गलती हमने ये की कि जैसे अमेरिका, चीन और इसराइल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसका बहुत बड़ा पैसा डिफेंस में जाता है, लेकिन डिफेंस से वो पैसा वापस सिविलियंस में आता है। हमने यहाँ पे सिविलियंस का और डिफेंस का आपस का कोई लिंकेज ही नहीं बनाया। फौज में भी थोड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे, वहाँ से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिली है, तो मैंने एक R&D जो है सिविलियंस का और मिलिट्री का इकट्ठा कर लिया। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी है। जब मुशर्रफ साहब के दौर में जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया गया था, उसमें ज़बरदस्त काम ये किया कि उन्होंने प्रोविंशियल जो इख्तियारात थे और फाइनेंसिस थे वो डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन जो गलती उस सिस्टम में ये थी कि उन्होंने सेंटर से पावर्स प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र नहीं की। 18वीं तरमीम ने आकर के ये जो पावर्स है सेंटर से प्रोविंसेस को दे दी, लेकिन प्रोविंसेस ने क्या किया कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट से सारी पावर वापस ले ली। अब जब मैं प्रोविंसेस कह रहा हूँ तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर। दो ओहदे इस वक्त पाकिस्तान में तमाम बुराइयों की जड़ है, ये एक तो जो चीफ मिनिस्टर का ओहदा और चीफ सेक्रेटरी का ओहदा। प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर के पास तो जो -600 अरब रुपए से प्राइम मिनिस्टर अपना शुरू करता है, यहाँ पे तो वो कम से कम जो है वो अरबों हर अरब हर रुपए से वो पैसे। असल ताकत तो फाइनेंशियल पावर है ना, फाइनेंशियल पावर्स बहुत ज्यादा है। शहबाज शरीफ साहब को उठा के देखा है तो उन्होंने 10 साल में मेरा ख्याल है कि अबाउट 1700 अरब रुपया जो है उन्होंने एक आदमी ने खर्च किया, 1700 अरब रुपया। इसी तरीके से जो आप उठा के देखें मुराद अली शाह साहब ने कम अज कम 1200 अरब रुपया इन्होंने खर्च कर दिया, तो देखें इनका क्या उन्होंने किया उसका। जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने ये दरख्वास्त करके फैसला कराया कि यूनिवर्सिटीज़ को कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग उन्होंने कहा बिल्कुल सही है करने में, 9 महीने हो गए HEC से ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब आप कोई जो काम है यहाँ पे गवर्नमेंट में, एक मुसीबत ये है आपने फाइल को उठा के इधर से इधर रखना है उसके लिए 2 महीने चाहिए। पाकिस्तान में ना 6-6 महीने की प्लानिंग होती है, 3-3 साल बड़े लंबी प्लानिंग है।